अच्छा ये बताओ आप, घूमने का मोमेंटम कितना होता था? आयु में है ना, और भागने वाला MVR। चलो अच्छा एक क्वेश्चन करके दिखाओ, लास्ट में कराया था वही क्वेश्चन है, डिटो थोड़ा डिफरेंट है उससे, ठीक है? चलो बताओ मुझे, देखें कौन आंसर देता है। ये NCERT का क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है? और बहुत बार पूछा गया है, सही से आंसर देना बिल्कुल। ये डिस्क है और ये वी वेलोसिटी से आगे जा रही है, ठीक है? प्योर रोलिंग मोशन, डिस्क वी वेलोसिटी से आगे जा रही है, इसकी मोशन कैसी है? प्योर रोलिंग मोशन है, ठीक है? आपको लिखना है इसका एंगुलर मोमेंटम, हाँ इसका एंगुलर मोमेंटम लिख के दिखाना है। बताओ भाई आप लोग कितना एंगुलर मोमेंटम होगा? अबाउट द लोवेस्ट पॉइंट, अबाउट द लोवेस्ट पॉइंट। यार मैंने आपको क्या क्या दिया है, मैंने आपको सिर्फ वी दिया है, ठीक है? मैंने आपको सिर्फ इसकी रेडियस दी है और मैंने आपको सिर्फ इसका मास दिया है, तो ऑब्वियसली है योर आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ MR and V। कौन कौन से मोमेंटम होंगे? हाँ किस पॉइंट के अबाउट? लोएस्ट पॉइंट के अबाउट सर, ना हर्ष बताओ कौन कौन से आएंगे मोमेंटम? खालो खालो तुम्हारा अंदर खालो, तुम बताओ आकाश कौन कौन से मोमेंटम आएंगे? हाँ एक भागने का आएगा, पहले भागने बताओ कितना आएगा। अच्छा नहीं भाई मैंने एंगुलर मोमेंटम पूछा तो दोनों आएंगे ना, अबाउट लोएस्ट पॉइंट। भागने का कितना है बताओ? अरे भागने कैसे निकालते थे? बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल। ये MV हो गया, समझ लो भाई ये इसकी क्या है, क्या ये लाइन ऑफ एक्शन है ना, और हम क्या करते थे इसकी लाइन ऑफ एक्शन पे यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते थे। कितना आएगा ये? MVR, क्लियर? ये कौन सा मोमेंटम आ गया? दिस इज मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशन। और कौन सा होगा? रोटेशन, ओके ठीक है। व्हाट अबाउट रोटेशन? रोटेशन का कितना होता है? रोटेशन का होता है ICM ओमेगा। ICM मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। क्या ये डिस्क है? कितना होगा ये? हाफ MR² और प्योर रोलिंग मोशन में क्या होता है? वी इज़ इक्वल टू आर ओमेगा होता है। ओमेगा कितना हो जाएगा? V/R, क्लियर भाई? क्यों? प्योर रोलिंग मोशन में आपको बताया ना, तो दिस इज हाफ MVR, ठीक है? अब क्या करते हैं बताओ, दोनों का ऐड मार देते हैं, तो नेट मोमेंटम कितना आएगा? अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या है, तुम लोग डायरेक्शन बताओ। ये क्वेश्चन एक्चुअली जब आता है कॉम्पिटिशन में है ना, तो आपसे ये भी पूछता है कि वॉट इज डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वेक्टर फॉर्म में पूछता है। अच्छा पहले दोनों को ऐड कर देते हैं, एक सेकंड रुको, नहीं ऐड करने पहले डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, बताओ। हाँ नहीं वेक्टरली ऐड तो कर देंगे, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या बताओ? पहले घूमने का बताओ कितना है, पहले घूमने का देखो आप, ये ऐसे घूम रहा होगा, तो आप बताओ मुझे ओमेगा किधर है, इनसाइड या आउटसाइड? आकाश बोलो। अरे ओमेगा इसमें एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर कौन, राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड से ओमेगा इज इनवर्ड, और जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है देखो आप उसका फॉर्मूला होता है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है डिस्कशन, आप ध्यान दीजिए, दिस इज एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, एंड ओमेगा हम कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग राइट हैंड पाम रूल। इफ यू कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ राइट हैंड फिंगर्स, राइट हैंड फिंगर्स को आप कर्ल करिए इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, देन थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। तो देखिए ऐसे घूम रहा है तो मैं ऐसे फिंगर्स को घुमाऊंगा तो ओमेगा कहाँ पे आ गया? इनवर्ड आ गया। और ये ऐसे होता देखो, एल इज आई ओमेगा, तो जो डायरेक्शन ओमेगा की होगी एग्जैक्टली वही डायरेक्शन किसकी होगी? वही डायरेक्शन आपकी एल की होगी, ठीक है? अगर कोई आपसे पूछता है कि घूमने का एंगुलर मोमेंटम किधर है तो क्या बोलोगे आप? इनवर्ड है, और इनवर्ड कौन सी डायरेक्शन हुई बोलो? यार ये एक्स हो गई,
ये y हो गई, बाहर z हो गया, अंदर कौन है? माइनस z. क्लियर? तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, तो क्या आएगा बताओ इसका आंसर? बात समझ आ रही है आप लोगों को? yes, क्या लिखना पड़ेगा इसके साथ? माइनस k कैप. क्लियर? तो ये क्वेश्चन, हाँ, फाइव z कहाँ है? z एक्सिस बाहर की तरफ है, अंदर कौन सी एक्सिस है? अंदर माइनस z है. क्लियर? ओमेगा किधर है बोलो? इनवर्ड. तो एंगल ऑन टैप किधर होगा? इनवर्ड होगा. तो z डायरेक्शन आपको पता है k कैप होता है, z डायरेक्शन में k कैप होता है, तो माइनस z में क्या होगा? माइनस k कैप. क्लियर? इससे मैंने माइनस k कैप लगा दिया. दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेशन. अब ट्रांसलेशन की बात करते हैं. वेक्टर फॉर्म इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब देखो ये तो निकालने का तरीका हो गया. अब भाई ध्यान से देखो आप लोग, समझो जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसकी वेक्टर फॉर्म होती है r क्रॉस p. हर जगह टॉर्क की वेक्टर फॉर्म होती थी ना, r क्रॉस f. एंगुलर मोमेंटम वेक्टर फॉर्म क्या होती है? r क्रॉस p. तो ये बताओ यहां पे, अब आप यहां पे देख रहे हो, सुनो, जब आप ट्रांसलेशन का एंगुलर मोमेंटम देखेंगे ना, तो आपको पता है क्या करना है? आपको पूरी बॉडी हटा देनी है. क्या देखना है आपको सिर्फ? अरे ट्रांसलेशन में तो यार उसको आप पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर लेते हो ना. तो काम करो, आप डेस्क को भूल जाओ. आप डेस्क के लिए क्या देखना चाहिए आपको? आपको सिर्फ एक पॉइंट मास देखना चाहिए. यहाँ पे कितनी डिस्टेंस पे बोलिए यहाँ से, यहाँ लोएस्ट पॉइंट देख रहे हैं ना, तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट मास देखना चाहिए. इसका मोमेंटम कितना है? एम वी. क्लियर? और वेक्टर फॉर्म क्या होती है उसकी? अरे आर क्रॉस पी होती ना यार. देख लो यार, सीधे क्वेश्चन बनता है ये, अभी नीट में आया अभी था एक दो साल पहले. तो क्या लिखोगे आप? ये तो लिखोगे आर क्रॉस एम बी. वैल्यू तो वही आ जाएगी यार, एम बी आर. अब तुम बताओ डायरेक्शन क्या आएगी इसकी? जो डायरेक्शन आर क्रॉस पी की होगी, क्यों? वही डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम की होगी. अब देखो आर क्रॉस पी कैसे निकालते हैं. देखो आप, ये वेक्टर कौन सा है बोलो? तो इसको स्मॉल आर लिख लेते हैं फिलहाल. स्मॉल आर क्या होता है? अरे पोजीशन ना, उस पॉइंट की पोजीशन, जो पॉइंट भाग रहा है उसकी पोजीशन. ये उसकी पोजीशन हो गई. और आप कहाँ से देख रहे हैं? यहाँ से देख रहे हैं. तो दिस इज वेक्टर आर. और एम वी किधर है? एम वी आगे की तरफ है. ठीक है, तो देखो भाई, अगर आपको डायरेक्शन देखनी होती तो आप क्या करते हो? पहले आर को ड्रॉ करते हो. ठीक है, इसकी टेल से किसको ड्रॉ करोगे? एम वी को या पी को. क्लियर? और अब आप याद करिए क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, पता है? राइट हैंड को ऐसे स्ट्रेच करते हैं. ठीक है, और अगर आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना है, ध्यान सुना है आगे कहीं यूज होगा, ए क्रॉस बी फाइंड करना, तो क्या करोगे आप? फिंगर्स को कहाँ रखोगे? ए की तरफ. और किधर घुमाओगे? थम क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. फिर से बोल रहा हूँ मैं, अगर दो वैक्टर्स ए एंड बी हैं, वो आपस में क्रॉस वर्क निकालना है और आपको उनके डायरेक्शन पता करनी, तो क्या करोगे? पहले आप दोनों वेक्टर्स को जहाँ भी बने हुए हैं वहाँ से उठा के उनको रीड्रॉ करोगे. ऐसे कैसे? टेल टेल को ज्वाइन कर दोगे. फिर ऐसे राइट हैंड को स्ट्रेच करोगे, पाम को, फिंगर्स बिल्कुल 90 पे, थम शुड बी एट 90 डिग्री. क्या करोगे आप? फिंगर्स को कर्ल करोगे किधर? अरे ए से बी की तरफ कर्ल करोगे ना यार. तो थम क्या बताएगा? ए क्रॉस बी. अभी मुझे क्या बताना है? अरे आर क्रॉस पी बताना है यार. तो मेरी फिंगर्स कहाँ जाएंगी? आर की तरफ. तो देखो मैं ऐसा रखूँगा, ये आर ऊपर की तरफ है देखो, और पी इधर है. देख लो भाई इधर, बिल्कुल एनसीईआरटी वाली बात चल रही, कुछ हाईफाई नहीं चल रहा, बहुत बेसिक बातें चल रही. समझो आप, समझे? आर कहाँ ऊपर की तरफ है, ये रहा पी, तो आर क्रॉस पी थम कहाँ जा रहा है? इनवर्ड. क्लियर? इसका मतलब जो हमारा घूमने का एंगुलर मोमेंटम है वो भी किधर है, सॉरी, जो भागने का एंगुलर मोमेंटम है वो भी कहाँ है? अरे वो भी इनसाइड है यार. और घूमने का कहाँ है? घूमने का भी इनसाइड है. तो इसका मतलब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या बनेगी इसकी वेक्टर फॉर्म? बोलो यार, एम वी आर तो उसका मैग्नीट्यूड आया था. व्हाट अबाउट डायरेक्शन? माइनस के कैप. क्लियर? आकाश बात समझ आ रही है? तो दोनों को ऐड कर देंगे, बताओ क्या आंसर आएगा? दोनों आंसर ऐड करोगे तो क्या आएगा? माइनस 3/2 एम वी आर के कैप. नोट डाउन. ये मैंने बिल्कुल आपसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कशन किया है, और कुछ बहुत हाई फाई बात नहीं की है, बहुत बेसिक सी बातें हुई हैं.
कि दो एंगुलर मोमेंटम होते हैं, कौन कौन से, घूमने का और भागने का, उनकी डायरेक्शन देखना, ठीक है, नोट कर लिया, क्या रे खत्म हो जाएगा बस, कुछ आगे बात समझ में। अच्छा एक बात तो आप सुनो, मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूं, देखो नोट कर लिया भाई लोगों ने, देख नोट किया, देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो, देखो भागने का जो रोटेशन, सॉरी जो घूमने का इसका रोटेशन है वो किधर है, इस साइड में, ओमेगा कहाँ है, इन साइड, क्लियर। अब आप भागने का भी देखो डायरेक्शन है, देखो आप कैसे, मतलब आपको पता है ना भागने से टर्निंग इफेक्ट आता है, सब एंगल में बातें हो चुकी है ना, देखो आप आकाश बताओ इधर, देखो ये बॉडी भागती हो जा रही है, अब इसका सेंटर मास कहाँ पे, यहाँ पे, थोड़ी देर बाद कहाँ पे होगा, अरे यार आगे हो जाएगा, और फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, तो अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे पहले तो ये ऐसे पोजीशन दिखेगी इसकी, दिखेगी, फिर इसकी पोजीशन सेंटर की ऐसे दिखेगी, फिर मुझे सेंटर की पोजीशन ऐसे दिखेगी, फिर सेंटर की पोजीशन ऐसे दिखेगी, बोलो दिखेगी क्यों, अब आप मुझे बताओ आप आर कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्यों भाई, जो भागने की वजह से सेंट्रोमास आगे जा रहा है, भागने की वजह से सेंट्रोमास क्या हो रहा है, आगे जा रहा है, तो घूम कैसे रहा है बताओ ना, वो इसके इस पॉइंट अबाउट, हालांकि जा तो स्ट्रेट ही रहा है, बट एक टर्निंग इफेक्ट होता है ना, आपको बताया था एंगल सर, ये तो पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको, जब कोई स्ट्रेट लाइन पर चल रहा होता है और आप उसकी लाइन से हटके खड़े हो जाओ तो आपको क्या दिखता है उस पर, टर्निंग इफेक्ट, योगेश कैसे घूम रहा है बताओ, ये क्लॉकवाइज, तो जब कोई चीज़ क्लॉकवाइज घूमती है तो उसका वेक्टर कहाँ पे आएगा, इनवर्ड, तो आपको आर क्रॉस पी नहीं करना है, समझा क्या बताया, क्या बताया कि अगर कोई क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे तो वेक्टर कहाँ होगा, इनसाइड, और कोई एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वेक्टर आउटसाइड, क्लियर ना, आपको हर बार यही करना है, आपको आर क्रॉस पी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो चलो अगर आपको सारी बात समझ में आ गई है तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, एक यही क्वेश्चन है, इसका एक और देखो आप, अब सही से आंसर देना, आप लोग देखें कौन सही से आंसर देता है मुझे, ये डिस्क जा रही है सेम बिल्कुल, ठीक है, विद वी स्पीड एम मास एंड आर रेडियस, अभी हमने कहाँ से निकाला था इसका एंगुलर मोमेंटम, अरे लोएस्ट से निकाला ना यार, मैंने थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया, ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप यहाँ पे खड़े हो, देखो एट दिस पॉइंट, समझे ना, सेंटर से ज्वाइंट लाइन पे यहाँ पे आप खड़े हैं, तो राइट एंगल मोमेंटम ऑफ द डिस्क फ्रॉम दिस पॉइंट, चलो इसको ओ डैश बोल देते हैं, बताओ बताओ, और ये क्या कर रहा है बताओ, ये प्योर रोलिंग मोशन हो रही है यहाँ पे, अब उससे आसान हो गया पिछले वाले से, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, पिछले वाले से इजी हो गया, बताओ हाँ डायरेक्शन साथ बताना है, एक घूमने का होगा और एक चलने का होगा, अरे घूमने वाला कितना होगा बताओ, अरे जीरो क्यों आएगा यार, घूमने वाला कैसी बातें कर रहे हो, घूम रहा है भी नहीं, पहले भी घूम रहा था अभी भी घूम रहा है, पहले घूम रहा था अभी भी घूम रहा है ना, वो सर्कल उसमें घूमने का तो आएगा ही आएगा, कितना आएगा, जितना पहले आया था उतना ही आएगा, अरे घूमने का तो आईसीएम ओमेगा होता है ना यार, सेम आ जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है, कितना कितना आएगा ये, हाफ एम पी आर डायरेक्शन बोलो माइनस के कैप आ गया, ठीक है, अब हर्ष बताओ भागने का कितना होगा यहाँ पे, हाँ या तो भागने का जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, क्यों जीरो बताओ, अच्छा एक बात हो, तुम यहाँ पे खड़े हो के इसके सेंटर को देख रहे हो, क्या इसका सेंटर घूम रहा है तुम्हारे रिस्पेक्ट में,
सीधे ऐसे ऐसे नजर आएगा ना, स्टेशन ही नहीं नजर आएगा, सीधे दूर जाता हुआ नजर आएगा ना। क्यों? अगर आप यहाँ से बैठ कर सेंटर को देख रहे हो, सेंटर क्या हो रहा है? आगे जा रहा है। कोई टर्निंग इफेक्ट है उसमें? नहीं है ना। तो इसलिए भागने का एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? जीरो। अब हमें ऐसे नहीं बताना है, हमें तो आपको समझाने के लिए बोल दिया। फॉर्मूला क्या होता है? एम वी आर साइन थीटा। ठीक है तो भाई आप यहाँ पे खड़े हो, देखो तो आपको एम वी दिखेगा। अरे एम वी तो हो गया वरना मोमेंटम, कुछ आर वेक्टर भी बनेगा। आर वेक्टर क्या होता है? अरे आर वेक्टर होता है यार उसकी पोजीशन, जहाँ से आप देख रहे हो। तो ये क्या हो गया? इस पोजीशन हो गई, ये क्या हो गया? एम वी हो गया, एंगल जीरो आ गया यार, समझे? अभी सब चीज़ें करा चुका हूँ मैं यार, एंगुलर मोमेंटम बहुत डिटेल में कराया था। तुम लोग कॉपी वॉपी घर पे पढ़ा करो। ये सब बताया था कि यार कोई सीधा चल रहा था उसका एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा। ये नहीं आ रहा है, समझे? तो इस केस में क्या होगा? थीटा इज जीरो, तो एम वी आर साइन थीटा कितना हो गया एंगुलर मोमेंटम? अरे जीरो हो गया यार। कितना है कहाँ से बताओ? ट्रांसलेशनल की वजह से एंगुलर मोमेंटम जीरो आ गया एंगुलर मोमेंटम। क्या आंसर आएगा बताओ? सिर्फ क्लियर ना? चलो अब नोट कर लो इसको, सबको समझ आ गई बात। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर देना इसमें। अब मैंने पॉइंट यहाँ ले लिया, देखो देखिए अब सही से आंसर कौन बताता है। मैंने पॉइंट यहाँ पे ले लिया, दिस इज ओ डबल डैश। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसका एंगुलर मोमेंटम बताओ। चलो मैं आपको एक मिनट का समय दे रहा हूँ, सोच के आंसर दो। बिल्कुल टॉप के बराबर में पॉइंट है, देखो ओ डबल डैश। कौन कौन से मोमेंटम आएंगे बताओ? अरे घूमने का आएगा और दूसरा भागने का आएगा। भागने की वजह से घूमने का कितना होगा? घूम तो वैसे ही रही है ना, बॉडी जैसे पहले घूम रही थी, तो ये तो इतना ही आएगा हमेशा घूमने का। यार फैन घूम रहा है ना सामने, आप कहीं भी बैठ के देख लो, तो जो घूमने का होता है बॉडी कहाँ से घूम रही है? सेंट्रो मास से घूम रही है ना, तो वो तो उतना ही रहेगा। माइनस हाफ एम बी आर के कैप चलने का बताओ कितना होगा? आप बिल्कुल जैसे पहले गया था उसी चीज को फॉलो करो ना। आप लोग एक दो बार करने के बाद कनेक्ट नहीं कर पाते हो। पहले केस में क्या कहते बताओ? एक ही तो पैटर्न होता है फिजिक्स में, बार बार कॉन्सेप्ट चेंज करना होगा। परपेंडिकुलर डाला था, परपेंडिकुलर डालो यार, पहले लाइन ऑफ एक्शन बनाओ उसकी। ये एम वी है, इसकी क्या हो गई? ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यार, रेडियस के बराबर आ गया। अरे हाफ कहाँ से आ गया? वो तो खत्म हो गई बात, वो तो हर बार वही आ रहा है ना, उसको छोड़ो ना। वो तो हर बार हर केस में सेम आएगा, एक बार निकाल दिया मैंने। अब भागने का बताओ कितना होगा? ये एम वी के क्या है? लाइन ऑफ एक्शन है, इसको पीछे एक्सटेंड किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कितना आ गया? अरे एम वी आर आ गया। नहीं फिर साइन वाइन नहीं देखते भाई, जब हम लोग लाइन ऑफ एक्शन बना देते हैं तो साइन की कहानी खत्म हो जाती है, समझे? तो परमानेंट डिस्टेंस देखते हैं, फिर थोड़ा नहीं कोई एम वी आर साइन थीटा, वो आर साइन थीटा तो वाई बन जाता था। अब डायरेक्शन बताओ उसकी क्या आएगी? अब डायरेक्शन मैंने आपको दो तरीके बताए हैं, अब आप मुझे बताओ डायरेक्शन क्या होगी इसकी? हर बात ध्यान सुना करो, उसका आगे यूज होता है एक्चुअली। के कैप क्यों? मैंने क्या तरीका बताया कि आप जहाँ पे बैठे हो वहाँ से सेंटर को देखो। अभी लाइन वन खिंचवाई थी ना आपको, कुछ ट्राई मारो जो अभी लाइन बनवाई थी ऐसे ऐसे। आप यहाँ बैठे हो, इसके सेंटर को देखो, बताओ सेंटर कैसे घूम रहा है इसका? देखो भाई ये कह रहे हैं, देखो पहले
रंजित की बात सुने, कह रहे हैं कि सर ये आ रहे हैं, है यार ये तो वेक्टर आर हो गया। चलो इसको आर को मैंने यहाँ बना दिया, और पी किधर है, आगे की तरफ है, बिल्कुल बेसिक बताया करो ना, कंफ्यूज क्यों नहीं लगते हो, जब एक चीज बताई गई डायरेक्शन निकालने के लिए फॉलो करो। अब बताओ और क्रॉस पी किधर आएगा, आर को फिंगर्स कार के आर की तरफ रखेंगे, घुमाएंगे पी की तरफ, तो आर क्रॉस पी कहाँ रहा है, आउटसाइड, नहीं तो आर से पी घुमाओगे ना फिंगर्स, छोटे एंगल से घुमा दे रहा फिंगर्स, आर क्रॉस पी में पहले फिंगर्स आर की तरफ रखोगे, रोटेशन वाला, अभी रोटेशन से देखते हैं, बताओ आर क्रॉस पी कहाँ रहा है, सबको क्लियर है ना कि दिस इज आर, आर क्रॉस पी निकालना आपको पता होना चाहिए, हाउ टू फाइंड ए क्रॉस बी आउटसाइड, कितना क्या एंगुलर मोमेंटम है इसका, हाफ एम वी आर, नहीं 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 एम वी आर के कैप, तो ये जो भागने का आएगा वो कितना आएगा, एम वी आर के कैप आएगा, दोनों उठा के ऐड मार दो, जब दोनों को ऐड मारोगे तो आंसर क्या बनेगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब एक तरीका और बताया था मैंने एंगुलर मोमेंटम निकालने का, डायरेक्शन का क्या बताया था, अरे अभी देखो ना वो डायरेक्शन क्लॉक वाइज जा रहा है, एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है, बताओ किधर जा रहा है ये, यहाँ बैठ के सेंटर को देखो, अभी लाइन बनाई थी वैसे लाइन बना के दिखाओ मुझे, अभी लाइन वाला कौन सा बता रहा है, ऐसे ऐसे ज्वाइन करके ऐसे घूम रहा है, वो लाइन बना के दिखाओ मुझे, उसको ड्रॉ करके दिखाओ ना एक बार, कैसे बनाया था, कहाँ पे था सेंटर पहले, लाइन ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करो, पहले सेंटर से ज्वाइन ज्वाइन करो, नहीं नहीं आप लोग बहुत ध्यान सुना करो चीज, फिर आप दोबारा अगर अप्लाई नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ को, फिर ये सेंटर था, यहाँ से आप देख रहे थे इसको, लाइन को ज्वाइन करते यार ऐसे, फिर सेंटर यहाँ आ गया, लाइन को ऐसे बनाओ, ड्रॉ करो ना उसको, फिर ऐसे ड्रॉइंग करो, ये सेंटर हो गया, तो बोल दो ऐसे घूम रहा है, क्लियर ना, समझे, हर चीज ध्यान रखा करो, वरना एक क्रॉस भी निकालते रह जाओगे, फिर ट्रांसलेशन की बात हो रही है, अरे दो तरीके बताए तो समझ नहीं पा रहे लोग यार, या तो आर क्रॉस पी निकाल लो, ये ऐसे चेक कर लो, पहले सेंटर यहाँ था, सेंटर यहाँ, सेंटर यहाँ, कहाँ से देख रहे हो, वहां से देख रहे हो, लाइन कैसे घूम रही है यार, ऐसे लाइन घूम रही है ना, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, आप फिंगर्स घुमा दो ऐसे, आउटसाइड जा रहा है, हाँ रोटेशन में तो आई ओमेगा होता है ना, तो जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन होगी, समझे, जब एक बार एक चीज किया करो तो उसको अगली बार अप्लाई करना देख लिया करो आप लोग, क्लियर, हाँ ओमेगा तो अंदर ही है ना यार, ये ऐसे घूम रहा था ना, ऐसे घूमती जा रही थी, ऐसे उड़कती जा रही थी बस, हमारा सिर्फ पॉइंट बदला, एंग्लो मोमेंटम हर पॉइंट की आउट अलग अलग होता है, एंग्लो मोमेंटम जो होता है हर पॉइंट का आउट क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है, तो ये कहानी हुई कि इसके रोलिंग मोशन में एंग्लो मोमेंटम क्या, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो तक एंग्लो मोमेंटम लिख नहीं पाओगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपसे, क्लियर, तो चलो देखते हैं एंग्लो मोमेंटम बेस्ड प्रॉब्लम्स आगे।